जी अंदर बैठे हुए हैं, क्यों मुख्यमंत्री जी अंदर बैठे हैं, क्यों वो मंत्रीगण बैठे हुए हैं जो अभी किसी भी नहीं। आपको मैं आपको बता देता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में कतई ऐसा नहीं होता था, कतई नहीं। बाकी बिल की बात आती है, किसी कानून पर चर्चा होती है, जाहिर है सदन में मंत्रीगण किसी भी सदन में रह सकते हैं, लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो और ध्वनिमत में शुरू में बात हो, सारी ध्वनियां हमने देखी हैं विजुअल्स में। आप भी चाहें तो रिवर्स करके वो ध्वनियां देख लेंगे। ये ध्वनि प्रदूषण लोकतंत्र के लिए हुआ है, अब तक वो प्रवेश ना करें, अन्यथा लोकतंत्र के इस मंदिर को शर्मसार करने का काम कर रहे हैं, और हम आप सब लोग इसके गवाह हैं। गवाही हमारी आपकी ली जाएगी एक दिन, ये मैं समझता हूँ। ये संदेश है, ये संकेत है, और अभी भी मुख्यमंत्री जी और उनके प्रिय मंत्रीगण अगर इस बात को नहीं समझते हैं तो एक न एक दिन सड़क और सदन की दूरी खत्म हो जाएगी, लोग आके समझा लेंगे। शुक्रिया। अगर मेरी बात सुनी जा रही हो पीठासीन द्वारा, प्रोटेम स्पीकर द्वारा, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि संसदीय लोकतंत्र की बेहतर परंपराओं के अनुरूप तमाम वो लोग जो सदस्य नहीं है किसी भी सदन के, चाहे नियमावली के अनुरूप, उन्हें बाहर भेजा जाए। उनके अंदर रहते हुए ये संभव नहीं है कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। अगर आप अपने स्पीकर का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से नहीं कर सकते तो आप लोकतंत्र से और क्या उम्मीद करेंगे। अगर थोड़ी बहुत भी, मैं समझता हूँ, हया बची हो माननीय मुख्यमंत्री जी को और तमाम उन मंत्रियों को, खुद से सदन छोड़ देना चाहिए।